शुभोदय बच्चों, हम लोग इंसानों ने हमारे मनोरंजन के लिए अनेक अनेक चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया है, साइंस विज्ञानी लोगों ने खोज किया है कि नहीं। हमारे लिए विज्ञानी लोग अलग अलग तरह के वस्तुओं को खोज किया है, जैसे कंप्यूटर, दूरदर्शन और दूरभाषा यानी टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सभी हमारे उपयोग के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये विज्ञान साइंस इतना आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, हम लोगों को नए नए तरह की खोज रोज़ रोज़ होता ही रहता है। देखिए, पहले मनोरंजन के लिए सिर्फ टीवी ही था, टीवी में ही, वो भी टीवी कैसे बना है, वो किसने इन्वेंशन किया है, उसका आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं हम लोग। मैं टीवी हूँ, टीवी टीवी यानी टेलीविज़न, दूरदर्शन, टीवी यानी टेलीविज़न, टेलीविज़न यानी दूरदर्शन। इससे हम लोगों को क्या देखने मिलता है, घर बैठे बैठे सारे पूरे विश्व का खबर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और कार्टून देख सकते हैं मनोरंजन के लिए, है कि नहीं। और रसोइयाँ नए नए पकवानों को कैसे बनाना है घर में, वो भी देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं और फिल्मी गीतों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पहले आकाशवाणी सिर्फ रेडियो था, पिछले ज़माने में बहुत वो साल पूरा पहले क्या था, सिर्फ रेडियो सुनते थे लोग, रेडियो से, आकाशवाणी रेडियो से ही गाना वगैरह सुनते थे तभी लोग, और उसे नाटक वगैरह रेडियो से सिर्फ सुनाई देता था। लेकिन बाद में टीवी को इन्वेंशन किया, खोज किया, उससे क्या हुआ, हम लोग घर बैठे अनेक तरह के मनोरंजन को देखने को मिला, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। देखिए कैसे ये बना है टीवी, देखेंगे। 8 साल का परवेज नाम का 8 साल का लड़का टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। मनपसंद कार्टून आप लोग भी देखते हो ना, कार्टून वगैरह, वैसे ही लगातार टीवी देखते हुए परवेज को लगभग 4 घंटे हो चुके थे। 4 घंटे से वो टीवी देखता ही रहता था, कुछ भी काम किया नहीं उसने। तभी मम्मी की आवाज़ आई, परवेज टीवी बंद करो। उसे क्या कहती है वो, अभी टीवी देखना बंद करो, अभी बस, अभी टीवी देख के बहुत हो गया, बंद कर दो, दिन भर टीवी के सामने बैठते रहते हो, तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। देखो, दिन भर टीवी के सामने बैठ के खाना खाना ये से भी अच्छी बात नहीं है। टीवी है मनोरंजन के लिए, मैं देखना है, लेकिन पूरा दिन वही देखते बैठना भी अच्छी बात नहीं है। वैसे ही तुरंत परवेज की मम्मी ने उसको डांटती है, क्या कहती है, अभी टीवी देखना बंद करो, बंद करके खाना खाओ। परवेज ने बेमन से टीवी बंद किया, बेमन यानी बिना मन, बेमन यानी बिना मन के, मन नहीं था उसको बंद करना, और खाना खाने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, क्या सुनाई दिया, कुछ आवाज़ सुनाई दिया। उसने ध्यान से देखा, आवाज़ टीवी से आ रही थी, देखो टीवी से उसकी आवाज़, टीवी बोल रही थी, टीवी से आवाज़ सुनाई देती, टीवी कह रहा था, परवेज मेरी ओर देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ, देखो परवेज को टीवी बोल रहा है, टीवी कभी बोलता है, अभी कभी स्विच ऑन किया तो ही टीवी से, जो टीवी में जो दिखते हैं वो बातें करते हैं, लेकिन टीवी कभी बोलता नहीं। लेकिन यहाँ इस कहानी में टीवी बोल रहा था, परवेज मेरी ओर देखो, टीवी बोलता है मेरी ओर देखो, मैं बोल रहा हूँ टीवी, अरे तुम बोल भी सकते हो, परवेज ने अचंभित होते हुए पूछा। देखो टीवी से कहता है, ए तू बोल भी सकता है, वैसे टीवी से प्रश्न पूछा, तब अचंभित यानी चकित, आश्चर्य होना, हाँ
मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ और बातें बता सकता हूँ। क्या कहता है? मेरे बारे में, यानी कोई किसके बारे में? टीवी। अपने बारे में कुछ तुम्हें बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो? तुम्हें जानने का इंटरेस्ट है? माँ पूछता है वो टीवी। टीवी ने परवेज से पूछा। हाँ क्यों नहीं, परवेज ने उत्सुकता से कहा। उत्सुकता यानी उत्साह, उत्साह से, खुशी से पूछता है। हाँ मुझे जानना है तुम्हारे बारे में, बोलो। तो सुनो, मैं आधुनिक विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार हूँ। देखो आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस का एक अनोखा, अनोखा यानी विचित्र खोज, खोज चमत्कार, चमत्कारी। टीवी घर हो गए बैठे बैठे, हम लोग टीवी पे सब कुछ देखते हैं, तो ये चमत्कारी तो और क्या है, चमत्कारी है ना। मुझे बनाया था जे एल बेयर ने। टीवी को कौन बनाया था? जे एल बेयर, इसने इन्वेंशन किया था। तब मेरा आकार बहुत बड़ा था और मैं आज जितना सुंदर नहीं लगता था। देखो उस समय जब खोज किया था, जब इन्वेंशन किया था, तब बहुत बड़ा था लेकिन और सुंदर भी नहीं था। ऐसे ही वो खोज किया था तो बहुत बड़ा डिब्बा था। तब मेरे पास बहुत ज़्यादा चैनल भी नहीं थे। उस वक्त चैनल्स, अब लोग मन चाहे चैनल्स डालते हो, हजारों चैनल्स हैं अभी, लेकिन उस वक्त में चैनल्स ज़्यादा नहीं था। अभी एक 20 वर्ष पहले ही इतना चैनल्स नहीं था, सिर्फ दो ही चैनल। पहले जब बहनों में टीवी आया तब एक ही चैनल दूरदर्शन दिल्ली से आ रहा था, दिल्ली दूरदर्शन जो उन्होंने डालते थे, एक ही चैनल था। बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट होने चला गया, हाँ आगे होते होते उसके में उसमें बदलाव आते गए। मुझे चलाने के लिए लोगों को बार बार अपनी छत पर जाकर एंटीना घुमाना पड़ता था। देखो एंटेना लगाना पड़ता था उस वक्त में, टीवी लगाने के लिए ऊपर छत जैसा था एंटेना, एंटेना लगाना चाहिए था उस वक्त। एंटेना डालेंगे तो ही टीवी सिग्नल एंटेना द्वारा ही आता था। पर आज तो तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मेरे पास सैकड़ों चैनल हैं। देखो लेकिन आज आप एंटरटेनमेंट, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट देने के लिए मेरे पास सैकड़ों चैनल हैं। किसके पास? टीवी के पास सैकड़ों, हजारों, नूरारों, सावरारों चैनलों इधे। दिखने में मैं भी अब पहले की तुलना में काफ़ी चुस्त, पतला व सुंदर लगता हूँ। देखो टीवी भी फ्लैट टीवी आया है अभी, भिंती पे अभी दीवार पे लगाने वाला टीवी आया है कि नहीं? अभी नया नया टीवी आया है, वो इतना सुंदर भी दिखता है और बहुत सारे चैनल भी उसमें आता है। अब एक बस वही बोलता है आगे, तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कार्टून दिखाना मुझे बेहद अच्छा लगता है। देखो तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कार्टून में ही बहुत सारे चैनल आ गए कार्टून्स देखने के लिए, उसमें भी चार बार कितने तो कितना कितना चैनल्स आया है। आपको जो चाहे मन कार्टून, आपको उनसे भाषा में चाहिए, आपको उस भाषा में कार्टून मिल जाएगा, हिंदी में चाहे हिंदी में मिल जाएगा, हाँ और कन्नड़ में चाहिए तो कन्नड़ कार्टून आएगा, तेलुगु चाहे तेलुगु, तमिल चाहिए तो तमिल, ऐसे अनेक अपने अपने भाषाओं में कार्टून निकालेंगे, तो उस भाषा में आपको कार्टून देख सकते हो। जब तुम मुझ पर मैच देखते हो, गोल होने पर या चौके छक्के लगने पर तालियां बजाते हो, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। देखो अब घर बैठे लाइव टेलीकास्ट क्रिकेट देख सकते हैं, इधर दूसरे देश में चलता रहता है क्रिकेट, लेकिन इधर घर बैठे हम लोग सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। उधर कैसे चल रहा है वैसे ही हम लोग इधर से देख सकते हैं,
हॉकी द क्रिकेटर्स उनका खिलाड़ी चौका छक्का मारेंगे तो सिक्सर फोर्स मारेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इधर खुशी से क्लैप्स डालते हैं, खुशी के मारे नाचने लगते हैं। ये सभी देख के टीवी को बहुत ही अच्छा लगता है। मनोरंजन मनोरंजक फिल्में, रोचक कार्यक्रम, सदाबहार गीत, ज्ञानवर्धक जानकारी, नित्य नवीन समाचार, सब कुछ तो है मेरे पास। देखो टीवी क्या कहता है, तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए हम न्यूज़ चैनल्स देखते हो, और साइंस के विज्ञान के बारे में आपको दिखाने के लिए अलग अलग तरीके के नया नया आपको चैनल से, डिस्कवरी चैनल से, और अलग अलग तरीके के प्राणियों को दिखाते हैं आप लोगों को, ये सब को देख डिस्कवरी चैनल्स पे आप सब कुछ ये देख सकते हो, आपका मनोरंजन भी होगा और ज्ञानवर्धक भी होगा। सभी में कोई भी नया खोज किया है उसमें अच्छा और बुरा दोनों में रहता है। हम लोगों को क्या करना है, अच्छा लेना है, और टीवी पे क्या लेना है, मनोरंजन तो लेना ही है, उसके साथ साथ क्या करना है, ज्ञानवर्धक यानी नॉलेज इम्प्रूवमेंट होने वाला चैनल्स भी हमें देखना चाहिए। यही तो सभी के लिए अच्छा लगता है। जब कभी भी उदास हो बस बटन दबाओ और मनोरंजन के अद्भुत संसार में खो जाओ। क्या होता है, उदास कोई दुखी होगा, उदास होगा तो क्या हो, क्या करना है, बटन दबाएंगे घर बैठे बैठे टीवी, घर बटन दबाने से आपको जो मन चाहे चैनल्स डाल के अपना मनोरंजन ले लो। किसी को संगीत में रुचि रहता है, किसी को फिल्म देखने में मज़ा रहता है, ऐसे मजाक कर लेते हुए अपना उदासी को निकालो, दुख का मना मरी बोलो, अद्भुत संसार है टीवी का, अद्भुत संसार में हो जाओ। बच्चों आज मैं आप लोगों यहाँ तक के टीवी के बारे में बताई, अगले वर्ग में आगे के कहानी को देखेंगे।